मेरा पहले पिछला साल स्टेनो एमटीएस में जो 2020 वाला था, और इस बार जितना भी हम एग्जाम में बैठे हैं सब में मेरा क्लियर हो गया। एमटीएस, एचएसएल, सीजीएल, एफकैट, एयरफोर्स, जितना भी एग्जाम में बैठे हैं, एसआईसी, सब में मेरा क्लियर हुआ है। एक विद्यार्थी आए हुए हैं, आज सुबह से बहुत सारे विद्यार्थी आ चुके हैं रिजल्ट वाले, जिनका जिनका रिजल्ट हुआ है। तो हम जानते हैं कि समय ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं आपका, लेकिन इस विद्यार्थी से इसलिए हम मिलाना चाहते हैं कि ये जो विद्यार्थी है ना, काफी कम समय में, काफी कम एज में, कम से कम 7 से 8 एग्जाम अभी तक क्रेक कर चुके हैं, 7 से 8 एग्जाम क्रेक कर चुके हैं, और इनका इनका एज है मात्र अभी 20 या 20.5। 20 साल के एज में अभी ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के नीचे वाला जो भी एग्जाम है, सारे एग्जाम को ये क्रेक कर चुके हैं। हालांकि ग्रेजुएशन वाला एग्जाम सीजीएल भी, सीजीएल मेंस भी दिए हैं, प्री भी निकाले हैं, मेंस भी दिए हैं, लेकिन उसमें एक ऑप्शन आता है अपीयरिंग कैंडिडेट करके। तो अपीयरिंग कैंडिडेट करके ऑप्शन आता है, और उस ऑप्शन को देकर सीजीएल का एग्जाम भी दिए हैं, सीजीएल में भी बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन ये अलग बात है कि ग्रेजुएशन के अभी सेकेंड ईयर में है, और सेकेंड ईयर में है तो सीजीएल हो भी जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मिलना चाहते हैं आप लोग, 3 से 4 मिनट का समय हम लेंगे, ठीक है ना? बुलाइए रजनीश को, सब लोग एक बार वेलकम करेंगे, ठीक है ना? खुश है जी, खुश है। तो ये है, इनका नाम है रजनीश, ठीक है ना? और अभी ऐसे तो रिजल्ट बहुत सारा हुआ है, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट अभी तुरंत अभी आया हुआ है रिसेंटली, ये एमटीएस 2020 का रिजल्ट अभी फाइनल हुआ है। एमटीएस 2020 का रिजल्ट अभी फाइनल हुआ है। कौन सा स्टेट में आपको दिया है? महाराष्ट्र में आपको भी दिया है। अभी इसके पहले वाले बैच में एक विद्यार्थी आए थे, उनको भी महाराष्ट्र में दिया है, तो इनको भी महाराष्ट्र में दिया है, ठीक है ना? इसके अलावा एफकैट का एग्जाम, एफकैट, एयरफोर्स में भी फाइनल इनका हो गया था, एयरफोर्स भी इनका फाइनल हुआ था, तो इसमें नहीं गए थे, ठीक है ना? तो एयरफोर्स में फाइनल था, एफकैट में एसएसबी देना है अभी, रिटर्न फाइनल है, और एमटीएस में फाइनल हो गया है। अब इसमें जो था है छठ बाद हमको लगता है ज्वाइनिंग वगैरह का आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है, ठीक है ना? और कौन कौन सा, बहुत सारा रिजल्ट बताया था, ये हमको हम भूल गए, ठीक है ना? तो ये अपने खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना? हो सकता हम कहीं बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हों, ठीक है? तो इस साइड आ जाइए तो सही रहेगा, उसमें आवाज कम आ रहा। उसमें आवाज नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। मुर्शी जी को बोले, विशाल जी ये चेक करिएगा ना, क्या इसमें प्रॉब्लम है? हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रजनीश कुमार है, आप लोग तो सर बता ही दिए होंगे। आवाज नहीं जा रहा है? स्मार्ट लग रहे हैं। वैसे सर के साथ हम 2019 मतलब मार्च, वैसे कर लेते हैं नहीं सर, ठीक है। हम सर के साथ 2019 से जुड़े हुए हैं। 2019 में जिस टाइम मतलब सितंबर के आसपास एक बैच आया था 6:45 सुबह में, तो उस टाइम उसमें हम एडमिशन लिए थे। फिर मेरा परसेंटेज और ज्योमेट्री एडवांस और एथमेटिक दोनों साथ साथ चल रहा था, तो उसमें फिर उसके बाद कोरोना आ गया, आप लोग भी जानते ही होंगे 2020 में मार्च में। तो उसके बाद फिर ऑफलाइन पूरी तरह से ठप हो गया, ऑनलाइन सर यूट्यूब पर करवा रहे थे तो गाँव में ही करते थे। फिर उसके बाद हम आए तो सर ऑनलाइन करवा रहे थे, तो हम सर से रिक्वेस्ट किए कि हमको ऑनलाइन नहीं पढ़ना है। तो मतलब हम सिर्फ हम एक अकेला स्टूडेंट रहते थे जिस टाइम, सिर्फ हम आके बैठते थे क्लास में, पूरा क्लास में, और हम मतलब सिर्फ हम ही रहते थे और सर ऑनलाइन पढ़ाते थे। तो उसके बाद फिर और इंग्लिश सर सब मेरा सब बेसिक ठीक ही है, रीजनिंग में भी मतलब ठीक ही है। तो
2021 तक तो मेरा जैसे 2018-21 सेशन है मेरा, मगध यूनिवर्सिटी से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप लोग भी मगध यूनिवर्सिटी का हाल जानते ही होंगे, 3 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट कराने वाला एक यूनिवर्सिटी है। तो अभी पार्ट सेकंड का रिजल्ट भी नहीं दिया है, 1.5 साल हो गया है। तो उसी के चलते मेरा इस बार ग्रेजुएशन CGL मेंस भी है, तो उसमें भी नहीं जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयरिंग करके डाल दिए थे, तो मेरा पहले पिछला साल स्टेनो MTS में जो 2020 वाला था, और इस बार जितना भी हम एग्जाम में बैठे हैं सब में मेरा क्लियर हो गया। MTS, HSL, CGL, FCAT, एयरफोर्स, जितना भी एग्जाम में बैठे हैं SIC, सब में मेरा क्लियर हुआ है। और एक ना एक दिन जिस दिन ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी करवा देगा भगवान की कृपा से, उस दिन शायद CGL भी निकाल लें। और हमेशा सर के गाइडेंस में हमेशा रहे, मतलब मैथ में मेरा कभी नहीं छूटा। पहले तो बेसिक फाउंडेशन कर लिए, उसके बाद सर बोले कि तुम रेगुलर एक सेट प्रैक्टिस करते रहो, और प्लस में सर का टारगेट भी चलता था 1 से 2 वहाँ पर मैथ, वो कभी हम नहीं मिस किए, कभी से कभी नहीं वो मिस किए हैं। मैथ इतना मेरा उस टारगेट वेट से इतना मतलब अच्छा हो गया ना, मतलब 25 में 25 मिनिमम 24 तो मारना ही मारना था कहीं पर भी, कोई भी एग्जाम हो हमेशा 22+ आता है मैथ में किसी भी एग्जाम में। तो सबसे बड़ा मतलब एक बेसिक मतलब क्या कहते हैं, बहुत बड़ा काम किया वो टारगेट वाइज, बहुत ज़्यादा काम किया है। फाउंडेशन पढ़ने के बाद सेट पढ़े सर, जैसे ही परसेंटेज और उसके आगे बढ़े तो सर बोले कि सेट मारते रहिए, परसेंटेज एकदम आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा सेट चलाते रहिए धीरे धीरे। और उसके बाद फिर जैसे ही फाउंडेशन मेरा खत्म हुआ टारगेट वाइज फिर पकड़ लिए, और उसके बाद फिर टारगेट में भी वैसे करते रहे। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये तो हम कभी जोर कर पढ़े नहीं सर, रेगुलर 5 से 6 घंटे बस, उतना बहुत है, उतना भी कभी कभी नहीं पढ़ते थे। बस खाली जितना हम पढ़ रहे हैं उतना मतलब मेहनत होना चाहिए, कि जैसे जाते थे टारगेट में तो सर का मतलब एक ही काम रहता था कि आप मतलब रूम पर कर रहे हैं प्रैक्टिस या नहीं कर रहे हैं, वो अगर 25 क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो उसको एक बार जाके बस रूम पर आप एक बार बस खाली रिविजन कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा वो 25 क्वेश्चन में पूरा मैथ का सिलेबस निपट जाएगा। एक बोल रहे हैं सबके सामने बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। और कुछ पूछना तो पूछिए, और आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताइए। कितना आया था मैथ में आपकी बार MTS में? मैथ हेलो 23 था मैथ में, और रीजनिंग में 24, इंग्लिश में 24, GS में तो लो, मतलब कितना GS में 10-15 के बीच में रहता है। तो GS कमजोर है इसीलिए सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना? हमको ऐसा लगता है पर्सनली, जिसका GS अच्छा होता है वो तो रटने में बिजी हो जाता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन कहाँ होता है? GS स्ट्रॉन्ग होने का मतलब मैथ कमजोर हो जाएगा, रीजनिंग कमजोर हो जाएगा, इंग्लिश भी एवरेज हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा, फिर सिलेक्शन होगा। तो ये चीज ऐसा नहीं कि हम GS को ये कह रहे हैं, आप GS पढ़ सकते हैं, लोग चारों में बैलेंस बना के चलना है। देखिए ये जो है ना काफी ज्यादा सीरियस रहते थे, और खास बात है कि हमेशा आगे ही बैठते थे। 2019 में क्लास किए थे कोविड के जस्ट पहले, तो कोविड के पहले अभी सिलेबस एंड भी नहीं हुआ था, कोविड आ गया था, और जब कोविड आ गया था तो उसके बाद से ये लोग का छुट्टी हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास वगैरह प्रोवाइड किए थे बच्चों को, अपने कैंपस में जितने बच्चे हैं सबको ऑनलाइन क्लास उसी समय हम प्रोवाइड किए थे ना जी। तो किए थे, और उसके बाद से ये लोग पढ़ाई किए थे,
उसके बाद से थोड़ा सा सिचुएशन सही हुआ तो ये आते थे यहाँ पे और ये हमारे काफी क्लोज भी रहते थे। आते थे तो क्लास में बहुत दिन तो ये अकेले बैठ के पढ़े हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाते थे, आइए ऑफलाइन में एक पहले तो ये रहते थे, बाद में कुछ 8-10 बच्चे और आने लगे थे तो ये अपना ऑफलाइन अपना आके बैठ के पढ़ते थे अकेले, हम भी पढ़ाते थे इन्हीं को देख देख कर, ठीक है ना। बाकी जो था ऑनलाइन में कैमरा को देख के पढ़ाना हमारे लिए भी बहुत इरिटेटिंग था, तो हम तो चाह रहे थे कि कोई आए पढ़े, ठीक है ना। तो ये आते थे, उस समय लॉकडाउन चल रहा था तो फिर सिलेबस इन लोग का एंड हुआ, पिछले ही साल सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अभी 8-9 महीना हुआ नहीं, तो 8-9 महीना कंप्लीट, 8-9 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट हुआ और अभी तो रिजल्ट का ये लाइन लगा के रख दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि सीजीएल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है ना, तो हो ही जाएगा इनका। आप लोग भी एकदम आपके मन में भी आता होगा ना कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा लगता है कि हो जाएगा, दिल आप लोग का नहीं कहता होगा, दिल कहता है क्या कि होगा, ऐसा लगता होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मन से पढ़िएगा हो जाएगा, नहीं जी हो जाएगा ना, हो जाएगा। इतना सारा वैकेंसी है हो ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए कि हम सिलेक्शन ले ही लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिएगा, ठीक है ना। क्या कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा बहुत जान जाते हैं तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है तब, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना।